हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ये संडे है और आज हम बात करेंगे अध्यात्म के विषय में। आज हम बात करेंगे कि प्रभु की भक्ति करते समय आपके मन में कौन से भाव होने चाहिए, आपके मन की क्या भावना होनी चाहिए। आपके मन की भावना के ऊपर आपकी भक्ति निर्भर करेगी कि आप भगवान से किस तरह की भक्ति करते हैं। आपका और भगवान का क्या रिश्ता है वो सिर्फ आपके भाव के ऊपर निर्भर करेगा। एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि भक्ति करते हुए आप किस तरीके से भाव रखें अपने मन में, तो आप प्रभु की बहुत जल्दी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। बस अपने भाव सही रखें। एक कहानी है एक गाड़ीवान और एक संत की। एक बार एक गाड़ीवान एक संत के पास जाता है। वो संत बहुत ही महात्मा और ऋषि पुरुष थे और बहुत ही जगह उनका नाम था और वो जगह जगह प्रवचन देते थे और उनका नाम था। तो वो गाड़ीवान उन संत के पास जाता है और उन संत से पूछता है कि हे गुरुदेव, मैं एक छोटा सा गाड़ीवान हूँ, इससे ही मेरा गुजारा चलता है। रोज़ सवारी मिलती है और रोज़ सवारी को मैं गंतव्य स्थान पर पहुँचाता हूँ और 2 पैसे की इनकम होती है और मेरे परिवार का गुजारा चलता है। अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाऊँ, अगर मैं टाइम वेस्ट कर दूँ तो मेरी सवारी चली जाती है और मुझे 2 पैसे नहीं मिलते हैं और मैं अपने परिवार का गुजारा किस तरह से चलाता हूँ। तो गुरुदेव, अब मैं इन सब कामों में व्यस्त रहता हूँ तो मैं भगवान की भक्ति करने का मुझे समय नहीं मिलता है, तो मैं किस तरीके से भगवान की भक्ति करूं और भगवान को पाऊं मैं, और कैसे मैं भगवान के लिए समय निकालूं। जब ये बात उन संत को बताता है तो संत उस गाड़ीवान से कहते हैं कि तेरे पास बिल्कुल समय नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए। कोई बात नहीं, तू इतना गरीब है, तेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर तू थोड़ा सा भी समय दे तो सवारी निकल जाएगी, तेरे पास 2 वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जब संत उस गाड़ीवान से कहते हैं कि तू इसके अलावा मैं जो कुछ बातें बता रहा हूँ वो तू करता है क्या, तो गाड़ीवान कहता है कि क्या गुरुदेव। तो संत कहते हैं कि क्या तू किसी गरीब असहाय या कुछ दिव्यांगों को अपनी गाड़ी में बैठाता है बिना पैसे लिए हुए, उनको उस गंतव्य स्थान पर छोड़ता है? वो कहे बिल्कुल गुरुदेव, मैं ऐसा करता हूँ। जो गरीब होते हैं, जो बिल्कुल मेरे से भी गरीब है और जो मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं, फिर भी उनको वहाँ जाना होता है, मैं उनको फ्री में ले जाता हूँ। और कुछ ऐसे दिव्यांग होते हैं, उनको भी मैं फ्री में बिठा के और उनके स्थान पर छोड़ता हूँ। और इसके अलावा गुरुदेव, मैं कुछ ऐसा भी करता हूँ, मैं कुछ बिना बोले पशु पक्षियों को उनको दाना खिलाता हूँ और कुछ गरीब लोगों को मेरी अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा निकालता हूँ। जब ये संत ये उस गाड़ीवान की ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तेरी ये मन के भाव भक्ति से भी ऊपर है। अगर तुम्हारे मन में ये भाव हैं तो भक्ति से भी ऊपर है, तुम्हें भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे समय नहीं मिलता है कोई बात नहीं, तेरे मन के भाव अच्छे हैं, तेरा मन शुद्ध है, तुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान को बिल्कुल प्राप्त करेगा। अपने मन के भाव को शुद्ध रखना। तो ये बात सुनकर वो गाड़ीवान उन संत के चरणों में पड़ जाता है और गुरुदेव, मैं आज के बाद और भी अच्छे कर्म करूँगा और मेरे मन के भाव हमेशा शुद्ध रखूँगा। तो इस तरीके से अपन को एक शिक्षा मिलती है कि अगर आप खूब पैसे कमा रहे हो और अगर आप भगवान की 1 घंटा भक्ति कर रहे हो घर पर रोज, लेकिन अगर आपके मन के भाव शुद्ध नहीं है, आप बेईमानी से पैसा कमा रहे हो, आपका मन कपटता से भरा हुआ है, आपका मन अंदर से ईर्ष्या से भरा हुआ है, आप किसी से दूसरों से जलते हो, आप किसी का अच्छा नहीं देख सकते हो, तो आपकी वो भक्ति व्यर्थ है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि आप जो भक्ति करते हो वो भक्ति कुछ नहीं है भगवान के प्रति, वो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, वो भगवान आपके पास कभी नहीं आ सकते। अपने मन के भाव शुद्ध रखें, अपने मन को निश्चल और प्रेम से भरे रखें, अपने मन में हमेशा लोगों के प्रति भलाई का भाव रखें, अपने मन में हमेशा दया का भाव रखें, हर इंसान से इंसान का प्यार का भाव रखें, किसी के पर भी दुर्भाव न रखें। भगवान हमें यही शिक्षा देता है। और अगर हमेशा कुछ थोड़ा सा भी टाइम मिले तो किसी गरीब की मदद करें,
किसी असहाय की मदद करें, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीब को दें, जो असहाय है उनको दे, तो भगवान आपसे वैसे ही प्रसन्न होंगे। अगर आपको भक्ति का समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अपना मन शुद्ध रखें, अपने मन में प्रेम रखें, आपको एक दिन भगवान की भक्ति जरूर मिलेगी और आप जरूर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो आज इसी के माध्यम में मैंने बताया है कि अपने मन के भाव कैसे होने चाहिए। आपकी भक्ति आप 2 घंटे करते हो और अगर आपके मन के भाव शुद्ध नहीं है, आपका मन अंदर से मेला है, तो वो भक्ति आपकी कुछ काम की नहीं। अगर आपको भक्ति से समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन के भाव शुद्ध रखें और शुद्ध भाव से लोगों की सेवा करें, जब भी समय मिले असहाय लोगों को मदद करें। आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान अवश्य मिलेंगे और आपका भगवान आपका साथ अवश्य देंगे। तो आज यहीं आपका मन भाव, आपके मन का भाव शुद्ध रखें, भगवान आपकी रक्षा और आपकी सफलता जरूर करवाएंगे। इसी के साथ आज यहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे।